आपका स्वागत है मेरे चैनल SSHD पर। मैं आज आपके सामने एक ऐसा तरीका लाया हूँ जिससे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को एक Xbox 360 कंट्रोल में बदल सकते हैं और उससे आप लगभग सारे गेम खेल सकते हैं, लाइक जितने भी PC गेम्स है, आपका फीफा हो गया या NFS 2012 हो गया या मोटल कॉम्बैट, सारे गेम्स आप खेल पाएंगे उस तरीके से। बट उसके लिए कुछ हमें एडिशनल सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वो वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो कौन से सॉफ्टवेयर है जिनके मदद से आप सारे गेम खेल पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी होगी वो है आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा अपने PC पर। आप अपना ब्राउज़र खोलिए, इसमें आपको टाइप करना होगा X360CE, इसे आप सर्च कीजिए गूगल पर। सबसे पहला जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है जो www.x360ce.com, इसे आपको ओपन कर लेना है। इस लिंक को तो कुछ ऐसा वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा और आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी होगी। सबसे पहले अगर आपके पास कोई गेम 32 बिट का है तो आपको 32 बिट के लिए डाउनलोड करना होगा, या फिर आपको आपका गेम 64 बिट का है तो आपको 64 की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों ही डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए इसे डाउनलोड करते हैं। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर रहा हूँ और इसे 64 बिट भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड कम्प्लीट हो गया। डाउनलोड हो जाने के बाद अब हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जो मैं आपको गेम दिखाने वाला हूँ वो तो मैं इसे NFS मोस्ट वांटेड पर मैं ट्राई करूँगा। अब हमें एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो सॉफ्टवेयर होगा ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन से सिग्नल्स को लेगा, आपके जो कंप्यूटर है उसमें ये ट्रांसफ़र करेगा। तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। आपको ये टाइप करना होगा www.monect.com। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और डाउनलोड पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसे भी मैं डेस्कटॉप में डाउनलोड करूँगा। अब ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, पे राइट क्लिक मारना होगा। राइट क्लिक मारने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देना है। अब इस सेटअप पर आपको क्लिक करना होगा, यस पर क्लिक कर दें और इसे इंस्टॉल कर लें। जैसे कि नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसीजर होता है आपको वैसे ही इंस्टॉलेशन करना होगा। अब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, अब आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन को ओपन करना होगा। अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो प्ले स्टोर है उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा PC रिमोट कंट्रोल, इसे सर्च कर लीजिए। तो ओपन कर लीजिए। अब आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है आप इसे ओपन कर लीजिए। ज़रूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, आपका जो लैपटॉप है और आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है ये दोनों आपके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी ये काम करेगा। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप को USB से कनेक्ट कर लीजिए। यूज़र आइकन जो दिख रहा है आपको इसे क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करने के बाद स्कैन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपके PC को डिटेक्ट करेगा, इसके बाद आपका जो PC का जो नेम है आपके इस एप्लीकेशन पर आ जाएगा। आप सिंपली जिससे आपने PC और लैपटॉप को कनेक्ट किया है तो उस पर आपको आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने अभी से USB से कनेक्ट करके रखा हुआ है तो इसे USB आइकन पर क्लिक कर देंगे। तो ये कनेक्टेड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये जो गेम है ये 32 बिट का है, तो 64 बिट के जो जिप फाइल है इसे साइड में रख लेते हैं। इस पर राइट क्लिक मारिए और एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर दीजिए।
जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, अब आपके जो गेम है, जो भी आपका गेम होगा, उस पर आपको राइट क्लिक मारना होगा और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको कॉम्पैटिबिलिटी में क्लिक करना होगा। कॉम्पैटिबिलिटी में जाने के बाद आपको ये चेक करना होगा कि जो को रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर को टिक मार्क कर देना है। ये बहुत ज़रूरी है, इसे टिक मार्क जरूर कर लेना। उसके बाद आपको अप्लाई और ओके पर करना है। उसके बाद फिर से अपने गेम को राइट क्लिक मारिए, राइट क्लिक क्लिक कीजिए, ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना होगा। अब ये जो गेम का जो डायरेक्टरी है, फोल्डर, ये आ चुका है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था। इसे राइट क्लिक मारेंगे और कट पर क्लिक कर देंगे और ये जो गेम डायरेक्टरी है अब आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक मारेंगे और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद आपको कॉम्पैटिबिलिटी पर क्लिक करना होगा और इसे भी रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पर टिक मार्क कर देना है। उसके बाद अप्लाई और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, यस पर क्लिक कीजिए। अब ये आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और ये इस तरह का एक वार्निंग पॉपअप विंडो दिखाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो इंटरनेट है वो ऑन होना चाहिए। इनके जो डेटाबेस में जो भी जितने भी इसकी जो सेटिंग्स हैं वो उन्हें डाउनलोड करेगा, मतलब इनके पास जितने भी गेम्स हैं, जितने भी पीसी गेम्स हैं, उनके हर तरह के एक सेटिंग्स इनके पास अवेलेबल है। और ये अपने आपके जो गेम डायरेक्टरी में जैसे ही हमने पेस्ट किया था, इसने डिटेक्ट कर लिया है कि ये कौन सा गेम है, उसी गेम के अकॉर्डिंग ये उसके टाइप की एक्स इनपुट वाले DLL फाइल को डाउनलोड करेगा। और ये DLL जो फाइल आपको दिख रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्च ऑटोमेटिकली फॉर सेटिंग्स। अब आपको इंटरनेट, जैसे कि मैंने बताया, आपका जो इंटरनेट है वो ऑन होना चाहिए और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अब ये अपने डेटाबेस पर सर्च कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गेम के जो अकॉर्डिंग जो इनके जो पास जो DLL फाइल है वो अवेलेबल है। फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर लेआउट्स में क्लिक करना होगा। ये आइकन जो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर Xbox 360 कंट्रोलर जो दिखा रहा है, इसे ओपन कर लेना है। ये जो जॉयस्टिक का, आपको इसे मूव करना होगा और आपको चेक करना होगा कि ये जो इम्युलेटर पे है जो वो डेटा जा रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, सारे कीज अच्छे से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रिगर दिखा रहा है वो ठीक से कैलिब्रेट नहीं हुआ है। करना होगा कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है और रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा। रिकॉर्ड में क्लिक करने के बाद इसे LT पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है तो इसे भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो और RT को क्लिक कर देते हैं। ये जो D-pad जो दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैंक दिखाई देते हैं। अगर आप में अगर ये ब्लैंक दिखाई देते हैं तो आपको इसे रिकॉर्ड कर लेना है। सीधे इस पर क्लिक कीजिए और रिकॉर्ड पर क्लिक कीजिए। जो अप की है इस पर क्लिक करना होगा। मैंने अप कर दिया, देखिए जो ये D-pad 1 अप जो है रिकॉर्ड हो चुका है। बाकी सबको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तब देख सकते हैं सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, सारे कीज। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये ठीक से कैलिब्रेट नहीं हुए थे। कभी कभार हो सकता है कि ये ठीक से कैलिब्रेट ना हो। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने एंड्रॉयड को ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के जॉयस्टिक भी अगर अवेलेबल हैं जो बाज़ार में 500 या फिर 600 रुपये तक भी आ जाते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं और इसे Xbox 360 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। अगर आपके पास एक से ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उनमें भी ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कंट्रोलर 2 में भी आपको ये एप्लीकेशन, आपका जो कंट्रोलर है वो दिखाएगा। तो एक से ज़्यादा कंट्रोलर ये सपोर्ट कर सकता है, मतलब एक से लेकर चार कंट्रोलर तक सपोर्ट कर लेगा। ये सब हो जाने के बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना है और इसे क्लोज कर देना है। अभी मैं आपको एक छोटा सा गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, पर उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि इस ऐप के बारे में। आप कैसे
इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपना खुद का कंट्रोलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें एक जायरोस्कोप का भी ऑप्शन है जिससे आप अपने फ़ोन को स्टीयरिंग व्हील की तरह आप घुमाकर खेल सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर फोर्जा होराइजन लिखा हुआ है, आपको ओपन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन दिया गया है। अब आप अपने फ़ोन को लेफ़्ट और राइट से भी खेल सकते हैं। ये मोस्टली ज़्यादातर रेसिंग गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ से आप थ्रॉटलिंग दे सकते हैं, यानी कि जो W या फॉरवर्ड की जो होता है, और बैकवर्ड और ब्रेक मारने के लिए इसकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं स्टीयरिंग व्हील को, ये एक्चुअली एक्सबॉक्स 360 के लेफ़्ट एनालॉग स्टिक का इस्तेमाल कर रहा है, और इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको फोर्जा होराइजन में होल्ड करना है और एडिट पर क्लिक कर देना है। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है, ये आपके मोबाइल के सेंसर का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप यहाँ एडिट में क्लिक करेंगे, और ये जो आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिख रहे हैं, ये एक्चुअली आपके फ़ोन के सेंसर के एक्सिस है, ना कि कंट्रोलर के एक्सिस है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो जॉयस्टिक है, इसके दो डायरेक्शन होते हैं, एक्चुअली तीन डायरेक्शन होते हैं। ये वाला एक्स एक्सिस है, और ये अगर आप ऊपर और नीचे करते हैं तो ये वाई एक्सिस हो गया। अगर आप यहाँ डायगोनली करते हैं तो ये जेड एक्सिस हो गया। तो आप अपने फ़ोन के सेंसर के मदद से आप इस जॉयस्टिक को मूव कर सकते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस को देखोगे, मैं फ़ोन को लैंडस्केप पोजीशन में ऊपर और नीचे मूव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस किस तरह से मूव हो रहा है। अगर आप वाई को देखोगे, जैसे कोई गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील होती है, लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट जाएगा, राइट करोगे तो राइट जाएगा, तो ये बिल्कुल गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरह मूव हो रहा है। अगर आप गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की तरह अगर मूव करोगे अपने फ़ोन को, तो ये इस तरीके से वाई एक्सिस काम करता है। अब आप जेड एक्सिस देखना, ये कैसे मूव होता है। अगर आप फ़ोन को पूरा उल्टा कर देते हो, तो जेड एक्सिस किस तरीके से काम कर रहा है आप देख सकते हो। अगर मैं फ़ोन को ऊपर कर दूँ तो देखो, अगर आप नीचे कर दूँ तो पूरी तरह से लेफ़्ट में चला गया, अगर मैं उनको सीधा कर दूँ तो ये राइट में चला गया। तो आप समझ गए होगे किस तरीके से सेंसर काम कर रहा है। इस गायरोस्कोप सेंसर के तीन हिस्सों को आप कस्टमाइज कर सकते हो, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप इससे बहुत एंजॉय करेंगे। Continue.
suspect flew right through it. Dispatch, we're back on the road. Dispatch, we have a mobilized suspect vehicle.